लड़की का परिवार है, यादव परिवार है, उसका नाम है मोहित रोहित 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 यादव। पिछले दिनों उनके पिताजी की सर्प दंश के कारण मृत्यु हो गई और वो शिकायत लिखवाने आए पुलिस थाने में, पोस्टमार्टम भी हुआ डेड बॉडी का। डॉक्टर ने उससे मांग करी अनाप शनाप की, यदि आप पैसे दोगे तो हम सर्प दंश लिख देंगे, नहीं दोगे तो नहीं लिखेंगे। अल्टीमेटली उसने पैसे नहीं दिए, गरीब आदमी है, पैसे थे नहीं उसके पास, तो उसने पैसे नहीं दिए। तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें सर्प दंश नहीं लिखा। मैंने TI को भी फ़ोन किया, SC साहब से ही बात हुई, SDOP से भी बात हुई, सब लोगों को बताया कि एक गंभीर मामला है, इसमें आप FIR लिखने क्या दिक्कत है आपकी, FIR लिख लीजिए, विवेचना करिए, यदि FIR सही है तो कार्रवाई करिए, सही नहीं है तो कार्रवाई मत करिए। इतनी बात को लेकर के थोड़ा तनातनी हो गई। अब वो FIR लिखने को तैयार नहीं है, जमाने की सर्कुलर दिखा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर है। विधायक की, निर्वाचित विधायक के खिलाफ FIR हो सकती है, डॉक्टर के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है? आज आपकी इस्तीफा की जानकारी प्राप्त हुई, आपने थाने में इस्तीफा लिखा। हाँ, ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। मैं निर्वाचित विधायक हूँ, यदि विधायक को खुद आना पड़े पुलिस थाने में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और वो भी सत्ता पक्ष के विधायक। यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, कदम तो मैंने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा। ऐसी विधायक मुझे नहीं करना।